So we rested for a while at the Sangam Cafe, drank some lemonade to cool ourselves. और अभी हम जा रहे हैं towards Leh. If you haven't watched the previous episodes, then click on the links given in the description box to watch them now. The heat is very intense at this time of the day, but नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि explore करने की energy आ ही जा रहा है. ये कुछ तीखी पानी पूरी खाने जैसा है. मिर्ची बहुत लग रहा है, but still you can't stop eating. अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब. दिस गुरुद्वारा इज मेंटेन्ड बाय द इंडियन आर्मी. ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी यहाँ पे मेडिटेट किए थे. उसी समय एक राक्षस उन पे हमला किया था एक बड़ा सा पत्थर लेके. ये पत्थर गुरु नानक देव जी को जब भी टच किया तुरंत ये वैक्स की तरह सॉफ्ट हो गया और उनकी आकार की एक डिप्रेशन बन गया. इस गुरुद्वारा में उसी पत्थर की पूजा की जाती है. यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, सो आई एम स्विचिंग ऑफ माय कैमरा. अभी दोपहर की 3:45 हो रहा है एंड हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ले पैलेस. लास्ट एंट्री 5 PM की होती है एंड दैट्स व्हाई वी शुड हरी अप. गूगल मैप्स बता रहा है कि यहाँ से ले पैलेस पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा. अभी हम लोग ले पैलेस पहुंच गए फाइनली, बट यहाँ पहुंचना एक एक्सपीरियंस था. हम तो बाइक से आ रहे थे तो हम गूगल मैप्स फॉलो कर रहे थे, तो गूगल मैप्स हम लोगों को इतना घुमा दिया, ऐसे ऐसे जगह घुमा दिया जो एकदम क्या बताएं, मतलब लोगों को पूछ पूछ के फाइनली हम पहुंचे हैं. रास्ते में फिर ट्रैफिक जाम भी था तो इसलिए हम लोग को बाइक भी बहुत दूर पार्क करना पड़ा. इतनी धूप में फिर वॉक करते हुए यहाँ पे आए हैं. अभी ज़रा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं. तो अभी अगर आप लोग ले में आओगे, ले पैलेस विजिट करने आओगे ना, तो लोगों से पूछ के यहाँ आना. गूगल मैप्स पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए. ले पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 1600s बाय सेंजी नामग्याल. ये पैलेस 9 मंजिलों की है. इस पैलेस से ले शहर की बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है. This massive 9-story structure is built in the Tibetan style. उस पहाड़ी के ऊपर एक बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को, वो है सीमो मोनेस्ट्री. ले पैलेस घूमने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वही सीमो मोनेस्ट्री. अभी हम लोग ले पैलेस घूम चुके हैं एंड वी आर फैमिश्ड, लाइक वी आर वेरी हंग्री. तो सोचा कि कुछ खाना खा लेते हैं, तो इसीलिए अभी वहीं पे हम लोग वापस जा रहे थे जहाँ पे बाइक पार्क किया. वहीं पे एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट से व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है. रूफ टॉप टाइप के अरेंजमेंट है जहाँ पर पूरे चेयर्स बिछा हुआ है बाहर, कि धूप भी ढल गया है. तो दिस इज़ द बेस्ट सेटिंग दैट कैन बी एवर पॉसिबल. तो अभी हम लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, प्रोबेबली मोमोज ही करेंगे, देखते हैं. We are now heading towards Simo Monastery, जो ले पैलेस से भी ऊपर एक पहाड़ पे लोकेटेड है. अभी हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना है वहां पे.
This monastery was founded in 1430 AD by King Tashi Namgyal. ये एक बहुत ही पुराना मोनास्ट्री है एंड अभी कुछ रेनोवेशन वर्क चल रहा है इट सीम्स। यहाँ एक 3-story हाई मैत्रेय बुद्ध स्टैचू है, कैन यू सी दैट? बट सिंस वी अराइव्ड लेट द गेट्स आर क्लोज्ड। This is the Hall of Fame जो आज हम सुबह मैग्नेटिक हिल जाते टाइम रिकॉर्ड किए थे। This is a museum जहाँ पे वॉर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। हमारा प्लान था कि वापस आके एक्सप्लोर करेंगे बट अगेन वी आर लेट। बट अभी यहाँ के लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है एंड सो आई एम स्विचिंग ऑफ माई कैमरा। आज हमारा ले एक्सप्लोरेशन की लास्ट डे है। कल हम जा रहे हैं न्यूब्रा वैली एंड सुमुर वैली। सो आज हम रिटर्न कर देंगे हमारी ये बाइक्स बिकॉज कल से हम घूमेंगे कार में। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।